सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि आपका 67 पीएससी क्लेम्स जो है वो क्लियर भी हो जाए और कहीं भी कोई डाउट नहीं रहे, ताकि आप मेंस की तैयारी भी समय से शुरू कर सके। तो हमें तैयारी करनी होगी लगभग 120 क्वेश्चंस के लिए। पहले हम लोग तैयारी करते थे 100 की, अब तैयारी करनी होगी 120 की, तभी जाके हम सक्सेस हो सकते हैं। ये चार किताब से ही आपको जो है कम से कम 120 क्वेश्चंस जो है सही हो जाए, तब आपकी सफलता जो है 100% गारंटी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज 67th बीपीएससी पीटी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आपने अब तक 100 से ज्यादा वीडियो देखा होगा। सभी शिक्षकों ने, सभी टीचर ने, सभी एक्सपर्ट ने अपने हिसाब से बुक को चूज किया होगा और आपको तरीके बताए होंगे किस तरह से आप 67th बीपीएससी पीटी को क्रैक कर सकते हैं। 67th बीपीएससी क्रैक करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 10 गुना ही रिजल्ट सीट के अगेंस्ट में आता है। कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू देते होते हैं उनका भी प्रीलिम्स नेक्स्ट टाइम नहीं होता है। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आपको प्रीलिम्स की बाधा को दूर करें। और आप सभी जानते हैं कि पिछले जो रिजल्ट आए हैं बीपीएससी पीटी में, उसमें स्कोर जो है वो 100+ तक चला गया है। तो हमें तैयारी करनी होगी लगभग 120 क्वेश्चंस के लिए। पहले हम लोग तैयारी करते थे 100 की, अब तैयारी करनी होगी 120 की, तभी जाके हम सक्सेस हो सकते हैं। और सक्सेस होने के लिए आप सभी के स्कोर लगभग जो है वो 90, 95, 97, 100 तक गए हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए तो ठीक है, 4-5 नंबर का उनको फायदा मिलता है। जनरल कैटेगरी में है उनके लिए आप देखेंगे कि कम से कम 5 से 7 नंबर उनको ज्यादा चाहिए होता है। तो आप इस हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको कम से कम जो है 120 मार्क्स की तैयारी करनी होगी। अब तक आप लोगों ने बहुत सारे बुक्स अपने स्टडी रूम में रखा होगा, आपके टेबल पे होगा, और अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस भी कर रहे होंगे। बुक्स की संख्या आपके पास बहुत ज्यादा है। जब मैं तैयारी करता था यूपीएससी के लिए, तब भी मैं देखता था कि जब भी कोई नई बुक्स आती थी बुक स्टॉल पे, सबसे पहले हम जाके बुक्स वहां लेना शुरू करते थे, और एग्जाम होने के एक वीक पहले तक हम नए नए बुक्स को पढ़ते थे। यह गलती आप लोगों को नहीं दोहरानी। तो करना क्या है बीपीएससी के लिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि आपका 67th बीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर भी हो जाए और कहीं भी कोई डाउट नहीं रहे, ताकि आप मेंस की तैयारी भी समय से शुरू कर सके। तो 67th बीपीएससी के लिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इस पे वीडियो बनाया है, और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उन्होंने क्या बनाया है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं सभी का सार और जो बुक उन्होंने रिकमेंड किया होगा या मैं जो रिकमेंड करने जा रहा हूँ, सभी बुक्स जो है हमने देखी है, पढ़ा है अपने स्टूडेंट टाइम में, तभी जाके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। सबसे जरूरी चीज होती है कि आपने पहले के वीडियो में देखा होगा कि हम कुछ सेक्शन को छोड़ देते थे, लेकिन आज आप कुछ सेक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे मैथ में हम लोगों का एक स्ट्रेटजी होता था कि 10 क्वेश्चन है तो हम लोग बी या सी कलर करेंगे, तो कई बार हमें 4 क्वेश्चन, कई बार 7 क्वेश्चन तक हमको फायदा होता था, कई बार 2-3 ही क्वेश्चन मिलता था। लेकिन अब इस बार क्या करना होगा कि आपको मैथ के लिए पूरी तैयारी करके रखनी होगी, और 10 के 10 क्वेश्चन में कम से कम 8 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। यानी कि मैथ की तैयारी आपको करनी होगी जो अब तक आप इग्नोर कर रहे थे, मैथ की तैयारी करेंगे तो आपका एडवांटेज रहेगा। अब बात यह है कि कहां पे लड़के जो है या कैंडिडेट जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं और उनका मार्क्स कम हो जाता है, वो एरिया में बताने जा रहा हूं। सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है वो है बिहार स्पेशल, बिहार का एक परिचय, बिहार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक ही क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पहली। दूसरी बात है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। ये दो ऐसे सेक्शन है जहां पे तैयारी अगर आप करते हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन साथ ही एक बात और बताना चाहता हूं, यदि आपने 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन या उससे अधिक इजी क्वेश्चंस को अगर गलत कर दिए तो आप समझ लीजिए आपका प्रीलिम्स नहीं होने जा रहा है। 3 क्वेश्चन तक अगर आपने गलत किया है या गलती हो गई है तो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अगर 8-10 क्वेश्चन तक गलत कर देते हैं, इजी क्वेश्चन जो दूसरे का सही हो सकता है, तो आपने बहुत कोशिश करके जो टफ क्वेश्चन को सॉल्व किया है वहां पे आपको जो है लॉस हो जाएगा। यानी कि 67 के बजाय आप 68 की तैयारी शुरू कर देंगे जब आप 10 क्वेश्चन अपने इजी क्वेश्चन गलत कर देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी बुक्स जो है आपको पढ़ना है और बुक्स के लिए क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था बिहार स्पेशल के लिए, तो बिहार स्पेशल के लिए अब तक आपने देखा होगा कि आप क्राउन पब्लिकेशन देख रहे हैं, केबीसी नैनो की बुक है और इम्तियाज अहमद सर की बुक है। ये तीन किताबें आप लोगों के सामने आता होगा, ये तीन बुक से ही आप अपने बिहार स्पेशल की तैयारी करते होंगे। तो मैं यह नहीं कहूंगा कि तीनों के तीनों किताब जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो केवल और केवल यह है केबीसी नैनो बुक्स को ही आपको पढ़ना चाहिए। तो ये केबीसी नैनो जो है आपको इससे स्टडी करनी चाहिए। आप बोलेंगे कि तो क्राउन और इम्तियाज अहमद सर की बुक को छोड़ देनी चाहिए। पिछली बार भी मैंने बताया था कि आप हमेशा जो है ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो एक फ्रेंड जो है आपका इम्तियाज अहमद सर की बुक और दूसरे फ्रेंड को कहें कि आप वो क्राउन पब्लिकेशन की बिहार एक परिचय है उसको पढ़े, और आप सभी के सभी जो है एक्सचेंज कर ले बुक्स को। जब बुक को एक्सचेंज कर लेंगे और वो हाइलाइटेड किया रहेगा तो आपको जो भी नए फैक्ट होंगे, या कई बार होता है कि कुछ फैक्ट जो है हर बुक में अलग अलग होता है, ऐसे में बिहार सरकार की जो आर्थिक सर्वे है उसको देखना चाहिए, और बजट की जो बुक आती है वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे और वहां से अपनी तैयारी को आप पुख्ता कर सकते हैं। तो ये तीन किताबों में से अगर कोई पढ़ना हो तो बिहार केबीसी नैनो की किताब जो है वो ज्यादा बेटर है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और दो बुक जो है क्राउन पब्लिकेशन की और इम्तियाज अहमद सर की जो बुक है उसको आप किसी से लेकर जो कि पढ़ी हुई किताब हो, फ्रेश किताब नहीं, पढ़ी हुई किताब होगी, उस किताब से रिवीजन कर ले, ताकि कुछ फैक्ट जो है जो दोनों में डिफर करे और जो ऑप्शन आता है उस ऑप्शन के हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब रही बात की कौन कौन सा सेक्शन देखना चाहिए, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी चाहिए। सामान्य तौर पे बिहार का जो आपका हिस्ट्री है वो तो आप लोग हिस्ट्री में कवर करेंगे ही, इसलिए हिस्ट्री पे ना ध्यान देकर आपको इसके ज्योग्राफिकल, इसके सेंसस यानी पॉपुलेशन, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, मैक्सिमम प्रश्न जो होता है वो जनसंख्या उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उससे ज्यादा पूछा जाता है। ज्योग्राफिकल जो इसके एरियाज है, ज्योग्राफिकल जो पॉइंट्स है, ज्योग्राफिकल जो सेक्शन है उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जाएगा। तो आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन को देखकर फिर आप इसकी तैयारी जो है आगे कर सकते हैं। तो ये बुक्स जो है आपके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि ये तीन बुक को एक साथ पढ़ने के बजाय एक बुक को 5 times 5 बार पढ़ना है, पढ़ते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है, और हर सेक्शन के बाद आप एक इवनिंग के टाइम में एक रूटीन बनाइए, 5-6 बजे मिलिए और एक दूसरे से पूछिए। कम से कम 4 दोस्तों का एक ग्रुप होना चाहिए जो एक दूसरे से पूछने से सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएगा। तो एक तरीका यह है कि आप बिहार स्पेशल पढ़ते हुए हमेशा फ्रेंड के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो पाएगा। क्योंकि बीपीएससी में सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है वह है हिस्ट्री से, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों ने ये तीन बुक्स कम से कम टच किया होगा और पढ़ लिया होगा। एक जो देख रहे हैं एसके पांडे की किताब, जो कि मैं यूपीएससी में ही पढ़ता था, दूसरी किताब जो आप जानते हैं किरण पब्लिकेशन की किताब, इसको सभी ने हिस्ट्री के लिए ऑप्शनल के लिए भी यूज किया था, और तीसरी किताब जो आप लोगों को दिख रही है स्पेक्ट्रम की। ये तीनों ही बुक्स जो है फिर से मैं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे कि कौन सी किताब जो है आप पढ़ सकते हैं, तो किताब के हिसाब से अगर मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूं तो आपको जो है स्पेक्ट्रम वाली जो किताब है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि तो बाकी किताब को क्या करें, बहुत फैक्ट का अंतर नहीं है, ये तीनों ही बुक्स में अगर आप मिलाएंगे तो 10% का ही फैक्ट का डेविएशन, और ये 10% में से क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है वो बहुत ही नगण्य है, या 1% है, जो कि आपके प्रीलिम्स क्लियर करने में कहीं भी बाधक नहीं हो सकता है। तो एक केवल और केवल एक किताब जो है इसको पढ़नी है, लेकिन अगर आपने किताब ये किरण पब्लिकेशन की पढ़ ली है तो गलती से भी ये किताब नहीं लीजिएगा। यदि आपने एसके पांडे पढ़ लिया है तो ये किताब आप गलती से भी मत लीजिएगा। सभी समझ गए होंगे, ये तीन बुक में से एक बुक
और एक बुक में से जिन्होंने अभी तक कोई भी किताब नहीं पढ़ी है, तो आप जो है वो स्पेक्ट्रम की ये आधुनिक भारत के इतिहास जो है उससे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस सेक्शन को अच्छे से करना चाहिए। इसमें भी खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है वहां से क्वेश्चन, फ्रीडम मूवमेंट का जो एरिया है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा कि अगर आपने एक बुक पढ़ी है तो क्या दो बुक को भी किसी फ्रेंड से मांगना है, नहीं मांगना है। एक ही बुक को फिर से मैं रिपीट करूंगा, एट लीस्ट 5 times आपको पढ़ना है, यानी कि अब तक मैंने आपको 2 किताबें बताई है जिसके द्वारा आपकी तैयारी जो है सो हो सकती है, और मैं आपको 4 ही बुक रेकमेंड करूंगा जिसको कि कम से कम 5 से 6 times आपको पढ़ना है। तो पहली किताब जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बिहार स्पेशल के लिए, जो कि केबीसी नैनो का बताया है, उसके अलावा दूसरे बुक को जिन्होंने आपके फ्रेंड ने आपको पढ़े होंगे उससे आप कर सकते हैं, और हिस्ट्री के लिए मैंने आपको क्रॉनिकल बताया है। यदि दोनों में से भी किसी किताब को अगर आपने पढ़ा है तो आपको दूसरी किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपको फिल्म्स क्लियर करने के लिए बिहार स्पेशल और करेंट आपको 100% सही होना चाहिए, उस पर फोकस करना हो, क्योंकि ट्रेडिशनली सभी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ये 2 सेक्शन है जहां पे कम बनाने पे आपको होने का चांस नहीं रहेंगे, बेटर करेंगे आपका 100% आपके फिल्म्स क्लियर होंगे। तो आते हैं करेंट के लिए, बहुत सारा है, जैसे 365 अगर देखेंगे विजन आईएएस क्लास की जो नोट्स आती है, एक आप देखते होंगे 365 करेंट के लिए 365, दूसरी जो है वो है परीक्षा मंथन की, और तीसरी प्रत्योक्तापन जो सबसे अधिक छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। आप कहेंगे कौन सा अच्छा है, तीनों ही अच्छा है। अब तीनों अच्छा है तो क्यों अच्छा है, क्योंकि अब बिहार स्पेशल का देखेंगे या करेंट के लिए देखेंगे तो बिहार ये प्रत्योक्तारोपण सबसे अधिक पढ़ते हैं, क्योंकि प्रत्योक्तारोपण में जो अलग अलग सेगमेंट वाइज होता है वो अच्छा होता है, अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक भी पढ़ते हैं तो अच्छा है। बट यदि अगर आप मेरी नजरिए से देखें कि सबसे अच्छी कौन सी है, तो ये है विजन का 365, उसको पढ़ना चाहिए। अगर आपने अभी करेंट शुरू नहीं किया है, अगर आपने पढ़ लिया है तो भी मैं फिर से बिहार स्पेशल की तरह कहूंगा कि आपको बिहार स्पेशल की तरह करेंट को भी 3 किताब से पढ़ना चाहिए, और फिर से बिहार स्पेशल जैसे ही मैंने आपको बताया था कि क्राउन पब्लिकेशन, केबीसी नैनो और इम्तियाज अहमद, ये तीनों की किताब को एक्सचेंज करने के लिए उसी तरीके से मैं बोलूंगा कि करेंट में भी आप लोग एक्सचेंज करिए। अगर आपने विजन आईएएस 365 पढ़ा है तो आप हमेशा ध्यान रखें परीक्षा मंथन और प्रतियोगिता दर्पण किसी और फ्रेंड से आप एक्सचेंज कर लें, अगर इसको पढ़ा है तो इसे एक्सचेंज कर लें, यानी कि आपको यहां भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी तैयारी जो है वो परफेक्टली हो पाएगी। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे करेंट के लिए क्या करना है। लास्ट आपको बताता हूं, जो 4थी किताब है वो मेरे द्वारा लिखी गई है और ये अपडेटेड किताब है जिसमें कि हैक जितनी भी हो सकती है उसका मैंने पूरी कोशिश करी है कि उसका समावेश हो सके और सभी की सभी जो है सेगमेंट उसमें आ सके। इसी हिसाब से आप जो जैसे दूसरी किताब पढ़ते हैं, एक अच्छी खासी किताब है जिसको आप पढ़ेंगे, एट लिस्ट जो है बीपीएससी में 90 questions तो यहाँ से आना ही आना है। जब 90 questions आएंगे तो सक्सेस इस किताब से केवल भरोसे नहीं हो सकता है। जो पहले मैंने बताए थे करेंट के लिए बिहार स्पेशल के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री की किताब। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे कि सक्सेस होने के लिए क्या करना है, तो केवल और केवल आपको 4 books मैंने बताए हैं, और ये 4 में आपने ध्यान दिया होगा, ये 4 में जो पहला है बिहार, इसके लिए 3 किताब जो कि एक्सचेंज करने के लिए मैंने कहा था, यानी एक पहला, दूसरा अगर देखते हैं तो करेंट, और तीसरा देखते हैं तो हिस्ट्री की किताब बताया था, और चौथा जो मैंने द्वारा लिखी गई है। ये 4 किताब से ही आपको जो है कम से कम 120 questions जो है सही हो जाएंगे, तब आपकी सफलता जो है 100% गारंटीड हो जाएगी। अब रही बात की 2-3 चीजें जो है वो होता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं कंफ्यूजन बहुत होता है, ये आंसर होगा या वो आंसर होगा, और दूसरी बात है कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी एक ऐसे कमीशन है जहां पे 5 ऑप्शन पूछा जाता है, और 5 ऑप्शन में भी एक जो ऑप्शन है
वो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए काफी है। तो इस कंडीशन में अगर आपको अगर क्लियर करना है तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। कंफ्यूजन किनको होता है, जब एग्जाम आप देते हैं कंफ्यूजन उनको होता है जो रिवीजन नहीं करते हैं। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कंफ्यूजन 100% होना है, आपको हमेशा लगेगा ये आंसर होगा वो आंसर होगा वो आंसर होगा, सब आंसर लगेगा कि ये हो सकता है, या अल्टीमेटली दो आंसर पे पहुंचने के बाद भी आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज वही होते हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट और फैक्ट पूरी तरह याद नहीं होता है। बीपीएससी के लिए जो मैंने बुक्स रिकमेंड किए हैं चार, वो आपको अगर कहें नॉर्मल लैंग्वेज में या फिर आपने सुना होगा, इसको खा पी जाना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरह से रट जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी जाके आपका बीपीएससी पीटी होगा। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे किस तरह से स्टडी करनी है, 5 टाइम्स रिवीजन कैसे करना है। दिन भर पढ़ते हैं, उसके बाद रात के 2 घंटे कम से कम आपको रिवीजन करना चाहिए, इवनिंग टाइम में रिवीजन करना चाहिए। नेक्स्ट डे जब भी नया कुछ पढ़ने जाते हैं तो मॉर्निंग सबसे पहले जो आपने कल पढ़ा था उसको रिवीजन करिए। आप जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं, करंट के लिए मैंने बता ही दिया, न्यूज पेपर के लिए भी अगर टाइम है तो मॉर्निंग टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, न्यूज पेपर हमेशा दोपहर टाइम पढ़िए। मॉर्निंग टाइम में न्यूज पेपर में 1-1.5 घंटा समय देंगे, उसमें बहुत कुछ आपको फायदा नहीं, उससे बजाय आप हमेशा जो आपका डिफिकल्ट चैप्टर है उसको पढ़ना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जीएस के सेक्शन को अच्छे से करिए, जीएस पे आप फोकस करिए, तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाएंगे। लेकिन कोई भी सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे या वो हिस्ट्री हो, कोई भी सेक्शन आप नहीं छोड़ सकते हैं, सभी सेक्शन को करना पड़ेगा। तो मेरी वाली जो बुक्स है जिसमें कि पॉलिटी सहित सभी सब्जेक्ट है उसमें दिया गया है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं। जैसे आप साइंस में बायोलॉजी पे फोकस करिए, बायोलॉजी में भी ह्यूमन बॉडी से संबंधित जितनी भी चीज़ें उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन होता है, अगर आता है ठीक है, नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री और एंशियंट पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, मेराइवल से ही क्वेश्चन होता है, लेकिन हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन 150 में हो सकता है, 30-35-40 तक क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेशल भी खासतौर से देखेगा तो कहीं 15 भी हो सकता है, 30 तक क्वेश्चन आता है। करंट कई बार होता है 5 आता है, कई बार 10 आता है, कई बार 30 आते हैं, लेकिन करंट का भी पता नहीं है। लेकिन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली आप लोग कहते हैं करंट तो पूछा नहीं, लेकिन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इकोनॉमिक सेक्शन को देखिए, हमेशा इकोनॉमिक्स जो होता है 90% वो करंट बेस्ड होता है, तो करंट से रिलेटेड होता है। स्पेशली जो है आप देखेंगे रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, तमाम तरह का जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी होती है उससे संबंधित, एंड ट्रेडिंग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बाद इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब क्वेश्चन जो खास तौर से होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन आपको देखना है कि उसमें बजट जो है उस पर खास फोकस करिए, बिहार का बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भारत सरकार की बजट है, बजट पर फोकस करिए, तो उससे आपका इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूरा हो जाता है। अगर देखेंगे कि आप पूछेंगे पॉलिटी में, तो पॉलिटी में भी 12-13 सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आता है, बाकी मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं कोई फायदा नहीं। जैसे अगर आप देखेंगे तो आप सबसे पहले देखें फंडामेंटल राइट्स 100% क्वेश्चन आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट 100% क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट 100% क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट, पंचायती राज, ये ऐसे ऐसे सेक्शन है, पार्लियामेंट, कै अटॉर्नी जनरल, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन करना होगा, 10-12 सेक्शन ही होता है जहां से क्वेश्चन आता है पॉलिटी में, इसके अलावा बाकी सेक्शन को छोड़ देना चाहिए। तो वो आप क्या करेंगे, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन को बनाइएगा, तो आपको जो है 10 ईयर्स के क्वेश्चन आप जब बनाएंगे तो 10 साल का क्वेश्चन 10 ईयर्स का क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। इसके अलावा क्या करेंगे कि आप यूपीपीसीएस का भी 10 ईयर्स का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपका जैसे 10 ईयर्स अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी का 10 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं या ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीका मैं बताने जा रहा हूं। जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन के साथ केवल आंसर होता है उसी को फोकस करते हैं, उसके साथ जो 3 या 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं या स्टेटमेंट होते हैं उस पूरे के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप स्टडी करिए। कई बार क्या होता है कि जैसे आप बीपीएससी का पढ़ रहे हैं बीपीएससी पढ़ रहे हैं, यूपी गए तो यूपी का पढ़ रहे हैं, यूपीएससी है तो यूपीएससी, सबका सब जो सिलेबस है ना वो एक सागर की तरह है,
कहीं अलग अलग तरीके से आप पढ़ेंगे, अलग अलग होता ही नहीं है, या पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप समग्रता में पढ़िए। जब भी कोई भी क्वेश्चन बैंक बनाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसके साथ जो ऑप्शन दिया जाता है उस ऑप्शन के बारे में भी डिस्क्रिप्टिव आप नोट डाउन करिए, लिखिए, तब आपका 10 इयर्स के क्वेश्चन से भी 90% प्रिपरेशन हो जाता है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को।